डॉक्टर ने नवाज शरीफ को एंजाइना का अटैक होने की तस्दीक कर दी। डॉक्टर ताहिर शमसी ने नवाज शरीफ की बीमारी के मुतालिक क्या कहा, आज की इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे। मजीद तफसीलात जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल 9 News HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको बरवक्त मौसूल हो सके। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इलाज करने वाले मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने बताया कि साबिक वजीर आजम को हफ्ते की सुबह एंजाइना का अटैक हुआ। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महमूद अयाज ने इस इत्तला की तरदीद की कि नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ा था। उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात बताते हुए मालिज का कहना था कि नवाज शरीफ के इलाज में IVI इंजेक्शन का कोर्स जारी है और रोजाना 16 इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जिससे इनके प्लेटलेट्स की तादाद बढ़कर 40,000 तक पहुँच गई है। नवाज शरीफ को आज सुबह एंजाइना का अटैक हुआ जिसके बायस खून पतला करने वाली अद्वियात देना शुरू कर दी गई है। 25 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इलाज के लिए कराची से खसूसी तौर पर लाहौर पहुंचने वाले माहिरे अमराज़े खून डॉक्टर ताहिर शमसी ने बताया था कि नवाज शरीफ को कैंसर नहीं और इनका मर्ज काबिले इलाज है। नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस हो गई है। उनकी बीमारी का नाम ITP एक्यूट इम्यून थ्रोम्बोटिक साइटोपीनिया है। ये मर्ज अमूमन बच्चों में होता है लेकिन कुछ केसेज में बड़ी उम्र के लोगों को भी लाहक हो जाता है। इस मर्ज का इलाज स्टीरियर एड्स और IVIG इंजेक्शन में से किसी एक दवा से मुमकिन होता है। आमतौर पर अद्वियात मिलने के 4 से 5 रोज बाद प्लेटलेट्स की सेहत की बहाली शुरू हो जाती है। IVI इंजेक्शन मिलने के 10 से 12 दिन बाद प्लेटलेट्स तकरीबन नॉर्मल हो जाते हैं और प्लेटलेट्स की सतह मुनासिब रखने के लिए दवा का इस्तेमाल 6 माह से 1 साल तक जारी रखना पड़ सकता है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की सेहत अचानक खराब होने की इत्तला सामने आई थी जिसके बाद इन्हें लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। मुस्लिम लीग नून के कायद के प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक कम हो गए थे जिसके बाद इन्हें हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई थी। साबिक वजीर आजम और नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरूने मुल्क जाने पर तैयार हो गए हैं। नवाज शरीफ को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात देकर बाहर ले जाने पर काम शुरू कर दिया गया है। बैरूने मुल्क से एक डॉक्टर भी नवाज शरीफ के इलाज के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ को जमानत के तौर पर फौरी तौर पर किसी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इस पर गौर शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ को इत्तफाक अस्पताल, शरीफ मेडिकल सिटी और हमीद लतीफ अस्पताल मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ की डील की खबरों पर अदालत ने क्या कहा। अदालत ने मीडिया पर चलने वाले बास प्रोग्रामों में नवाज शरीफ की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को तौहीन अदालत करार दिया। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने हम टीवी पर मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में आमिर मतीन, काशिफ अब्बासी और हामिद मीर के दरमियान और बोल टीवी पर समी इब्राहिम के प्रोग्राम में गुफ्तगू का जिक्र किया। अदालत ने इन तमाम सहाफियों और एंकर्स को नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया है कि शाम तक समात में हाजिर होकर अपने बयान करदा मुबैना डील से मुतालिक सबूत पेश करें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल 9 News HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।